अलीगढ़ के टप्पल इंटरचेंज पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसानों की समस्या को लेकर एक जनसभा की, जिसमें किसानों का 64% बकाया मुआवजा तथा किसानों को 10% विकसित भूमि वापसी व सर्किल रेट बढ़ोतरी तथा किसानों की कब्जे वाली भूमि को बंजारा दर्ज न किया जाए आदि मांगों को लेकर जनसभा में मंथन हुआ। इस जनसभा में हजारों किसानों ने भाग लिया। बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े इसके लिए किसान तैयार हो जाए। गांव गांव में घूम के हमें सब किसानों को इकट्ठा करें। हमें आंदोलन करने पड़ेंगे बड़े बड़े इसके लिए तैयार हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम। अलग अलग हिस्से में अलग अलग समस्याएं हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का मामला है और पूरे देश में सर्कुलेट सरकार नहीं बढ़ा रही। सर्कुलेट बढ़ाएगी तो सरकार अधिग्रहण करेगी तो 4 गुना देना पड़ेगा। तनख्वाह भत्ते तो बढ़ जाएंगे लेकिन जमीन का सर्कुलेट नहीं बढ़ेगा। ये समस्या है। यहाँ पे पानी नहीं दिया जा रहा, धान की फसल लगेगी तो किसान अपनी जमीन से नफरत करना शुरू करे। ये पूरी पॉलिसी सरकार को बनेगी। 64% का मामला है जो नोएडा में लागू कराए उन्होंने, वो सब जगह लागू हो कि जिस जमीन अधिग्रहण हुई है उसको 64% हम देंगे। भाई साहब क्या मानते हैं, जिस तरह से आज आपने यहाँ महापंचायत की अधिकारियों से बातचीत होगी, आप समय देंगे, अगर वहाँ फिर भी नहीं कुछ सुनता तो आंदोलन करेंगे? कहीं हो रहा सोना चलेगा ना। यहाँ टेंट लगाने की जरूरत है ना, यहाँ बरसात का डर है ना कहीं का। हमने इस तरह के स्थान चिन्हित कर लिए। भाई यहाँ से ऊपर जाओ तो सरकार बंद, नीचे आओ तो किसान संगठन, दोनों चीज यही हाईवे भी तो है। अच्छा सर ये बताइए, ग्रेटर नोएडा के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है, वहाँ पे भी किसानों के साथ इस तरीके से देखने को मिला, आंदोलन भी किया लेकिन कोई बात निकल के नहीं। देखो आंदोलन होते रहेंगे तो कुछ मिलता रहेगा, आंदोलन नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकार के पास में दान पात्र का भी खाता है, आंदोलन होते रहेंगे तो मिलेगा। आगरा में भी जाएंगे आप? आगरा में बिजली का इशू है और जमीन अधिग्रहण का इशू भी है, वहाँ पर बाईपास भी करना उसका इशू है, तो हम पूरे देश भर में जाएंगे। अच्छा ग्रेटर अलीगढ़ के लिए भी जमीन अधिग्रहण हुई है किसानों के, वहाँ उनका कहना था कि हमारे सर्किल रेट नहीं बढ़े तो ये पूरे देश की समस्या है। सर्किल रेट नहीं बढ़ा रहे, ये सोची समझी चाल सरकारों की है कि सर्किल रेट ना बढ़ाना पड़े और जमीन सस्ती मिल जाए।